मैं ऐसे नहीं जी सकती, आई जस्ट कैन नॉट लिव लाइक दिस। लास्ट फ्यू डेज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ। सो मी एंड माई फैमिली वर ट्रैवलिंग एंड जब हम ट्रैवल करके वापस आए देन वी वर सिक। उसके बाद व्हेन वी रिकवर्ड देन अगेन एक्सट्रीम ठंड हो गई यहाँ पर और एंड आई वॉज नॉट एबल टू वर्क एट ऑल। मेरी सारी जो मेहनत से बनाई हुई अच्छी हैबिट्स थी वो सारी खत्म हो गई एंड आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 15 डेज कि मैं अपनी हैबिट्स इम्प्रूव कर सकूँ एंड नथिंग वर्क। तो मैं एक चैलेंज ले रही हूँ, 7 weeks 7 good habits। तो मैं अपनी लाइफ में इन 7 weeks में कुछ मेजर चेंजेस लाने वाली हूँ। ऑब्वियसली नया साल है और हर किसी में एक नया जोश होता है टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, बट एट द एंड ऑफ डे हम सभी अपनी गोल्स को कहीं ना कहीं पूरा करने में पीछे रह जाते हैं। जो नए डिसिप्लिन्स बनाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो कैसे कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव, आप देखिए इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ूं, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन माय लाइफ। और अगर आप मुझे कई दिनों से देख रहे हैं तो प्लीज वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि मैं जो नेक्स्ट 6 videos डालूं इस वीडियो के अलावा जो कि नेक्स्ट 7 video series होने वाली है तो नोटिफिकेशन आपको चली जाए दैट आई हैव पुट अ वीडियो अक्रॉस। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। सो लेट्स गो अहेड विद द वीडियो। गोज विदाउट सेइंग कि मैंने हर तरह की कोशिश कर ली है ऑलरेडी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई फेल्ड एवरी फ्रीकिंग डे। सो दिस इज व्हाट आई डिड इंस्टेड। मैंने अपनी गलतियां ढूंढी, आई ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ जिसके कारण मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही। अलार्म सेट कर लेती थी सुबह 5 बजे या 5:30 बजे की और हर रात मैं लेट सो रही हूँ। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि मेरी नींद पूरी ना हो और मैं नेक्स्ट डे सुबह उठ जाऊँ। तो मेरे लिए एक विशियस सर्कल बन गया कि ना मैं जल्दी सो पाती थी ना मैं सुबह जल्दी उठ पाती थी। सो रैदर देन पुटिंग एन अलार्म ऑफ 5 AM और 6 AM मैंने अपना अलार्म लगाया, मैं जो यूजुअल टाइम पे उठती हूँ उससे बस 1 घंटे पहले एंड दैट रियली वर्क फॉर मी। तो इट इज स्टिल लेट बट शायद अगर मैं धीरे धीरे इस हैबिट पे काम करूंगी तो ग्रेजुअली आई विल रीच 6 AM और 5 AM। सो दिस इज वॉट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू जस्ट रिड्यूस माई स्लीपिंग आवर्स बाई 1 hour ताकि मेरी नींद भी पूरी हो जाए और मुझे सुबह उठ के गिल्ट फील ना हो कि मुझे मेरे लिए टाइम ना मिला या फिर बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कर पाती थी वो मैं कर पा रही हूँ इस एक्स्ट्रा 1 hour में। जब भी सुबह उठने पे मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम वेट कर रहा होता था तो मैं कहीं ना कहीं डर के देर तक सोना प्रेफर करती थी। सो व्हाट आई स्टार्टेड टेलिंग माय माइंड इज कि व्हेन यू गेट अप टेक योर ओन स्वीट 1 hour। उस 1 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, आई जस्ट स्पेंड दैट टाइम सिटिंग अलोन ताकि मेरे मन में कोई फियर ना रहे ऑफ डूइंग एनीथिंग और मैं मेरे लिए कोई एक्सक्यूज ना रहे। जब मुझे ऐसे फ्री फील होता है दैट आई एम फ्री टू वेक अप एंड जस्ट रिलैक्स देन मेरे लिए उठना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अजीब सी फीलिंग होती है सुबह सुबह जब मैं वो व्हाइट लाइट ऑन कर देती हूँ तो आई डोंट प्रेफर स्विचिंग ऑन दैट लाइट। आई हैव क्रिएटेड माय ओन लिटिल एम्बियंस विद स्मॉल ग्लिटर लाइट्स, येलोइश एम्बियंस विद जो मुझे बहुत अच्छा बहुत खुशी देता है व्हेन आई गेट अप टू दैट लाइट। काफी अच्छा सा कोजी सा एनवायरमेंट होता है सुबह सुबह और आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ इन दैट कोजी एनवायरमेंट विद अ कप ऑफ टी। तो आप सुबह उठे हो तो आपका सबसे मेन एम ये होता है कि आप अपने साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। मैं इस क्वालिटी टाइम में डायरी लिखना पसंद करती हूँ। अगर चाय के बाद मेरी जो फेवरेट चीज है वो होती है मेरी डायरी, चाहे मैं कहीं भी रहूँ मेरी डायरी मेरे पास जरूर होती है वेदर आई राइट इन दैट और नॉट। बट मेरे काफी सालों से हैबिट है दैट आई राइट आई मेक अ टू डू लिस्ट एवरी डे व्हेन आई वेक अप। और पहले होता था मैं बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट बनाती थी विच नेवर वर्क्ड फॉर मी। सो नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग कि मैं 3 से 4 काम लिखती हूँ दिन भर के लिए और उससे ज्यादा कभी भी नहीं लिखती क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे ज्यादा पूरा नहीं कर पाऊंगी।
आती है स्किन केयर की. सो आई हैव अ वेरी स्मॉल सिंपल रूटीन इन मॉर्निंग जो मैंने अपने लिए बनाई है, विच इज जस्ट सिंपली वॉशिंग माई फेस विथ कोल्ड वाटर. येस, कोल्ड वाटर इन दिल्ली, इट साउंड्स एक्सट्रीमली ब्रूटल, बट येस दैट हेल्प्स मी इन वेकिंग अप. और मुझे गर्म पानी से फेस वॉश करना उतना पसंद नहीं है, बट यू कैन सूट योर सेल्फ अगर आपको गर्म पानी से फेस वॉश करना पसंद हो. एंड आई जस्ट सिंपली अप्लाई अ नाइस मॉइस्चराइजर एंड देन आई कॉम माई हेयर एंड दैट मेक्स मी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द डे. वर्कआउट शुरू नहीं कर पाती थी, इसका रीजन ये था कि व्हेन आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे बहुत वीकनेस फील होती थी. आई वॉजंट इन द राइट स्टेट टू स्टार्ट वर्किंग आउट, क्योंकि ऑब्वियसली वर्कआउट के लिए आपको एक थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू वर्किंग आउट फॉर अ वाइल. तो मैंने रियलाइज किया कि जब मैं ब्रेकफास्ट करके और वर्कआउट करती हूँ इट हेल्प्स मी. ब्रेकफास्ट में बहुत हल्का लेती हूँ, अ बनाना मे बी अ टोस्ट, और उसके दो घंटे के बाद वर्कआउट करती हूँ या एक घंटे के डेढ़ घंटे के बाद वर्कआउट करती हूँ, बिकॉज दैट इज द टाइम इट टेक्स फॉर बॉडी टू डाइजेस्ट दैट फूड. ये हैबिट मेरी बहुत स्लोली आई मेरी लाइफ में, बट वंस इट हैज एंटर्ड माई लाइफ इट इज नॉट लीविंग मी. किसी भी अच्छी हैबिट का एक माइंडसेट होता है, अगर आप उस काम को उसी वर्क गिवन टाइम पे एक इवन फॉर द हेक ऑफ इट 5 मिनट के लिए भी कर लिए, देन दैट हैबिट विल नेवर वर्क आउट ऑफ योर लाइफ. So how I started doing it initially was putting an alarm for 5 minutes and working out. You know, TV पे कोई cardio exercise play किया या strength training play की, और I just tried doing it. अगर मैं वो नहीं भी हो पाता था तो it used to be okay. I just tried maintaining that routine. I honestly don't remember उसके बाद कब वो मेरी life का part बन गया. In fact, you'll be happy to know कि अब मैं weight lifting भी करती हूँ and I have improved a lot. ये सबके साथ होता है कि कोई भी गुड हैबिट 100% आपके साथ स्टिक नहीं रह सकती. देयर विल बी डेज, देयर विल बी सीजंस जब आप उस हैबिट से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे. आपको फिर से एफर्ट डालना पड़ेगा टू गेट इनटू दैट रूटीन. तो वापस अपनी रूटीन में आने के लिए मैंने इंश्योर करना शुरू किया कि दिन में किसी भी वक्त में वर्कआउट कर लूँ. अगर मैं सुबह नहीं कर पाती तो मैं शाम में कर लेती हूँ. बस आपको खाने का गैप देखना है कि कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप होना चाहिए आपके लंच और आपके वर्कआउट में, या फिर आपके ब्रेकफास्ट और आपके वर्कआउट में. एंड देन आई वर्कआउट इवन फॉर 15 मिनट्स. आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर 15-20 मिनट्स वंस अगेन एंड आई एम रियली हैप्पी. धीरे धीरे मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है एंड आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. तो ये थी मेरी गुड हैबिट्स जो मैं अपनी लाइफ में वापस बिल्ड इन करने की कोशिश कर रही हूँ. सो आने वाले 6 वीक्स में मैं 6 वीडियोस और डालूंगी इस टॉपिक पे, जिसमें मैं हर दिन एक नई हैबिट बिल्डिंग की बात करूंगी. आप भी इस नए साल में ये नए हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर आप भी रेडी है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी फॉर द चैलेंज लिखकर मुझे कमेंट करें. इसके अलावा आप मुझे कमेंट में अपनी कोई भी चैलेंज या कोई भी हैबिट है जो आप बिल्ड करना चाहते हैं, जिस पे आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं बट आप नहीं बना पा रहे वो हैबिट, उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आई एम श्योर आने वाली नेक्स्ट 6 वीडियोज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो कीप योर गियर्स अप. मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दे ताकि जैसे मैं वीडियोज डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.